प्रयास अभी लगी हुई है लेकिन कोई सफलता ही लगी है। सबसे इम्पोर्टेंट है जितना टाइम बीतेगा सोना मिलने का आस बहुत कम हो जाता है, सोना गल जाता है, अलग अलग जगह चली जाती है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे, भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से हमारे एक स्वर्णकार व्यवसायी जो कलकत्ते से आ रहा था और मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको उसका स्टाफ लेके और रास्ते में दो बाइक वालों ने घेर के उसके आंख में मिर्ची डाल के उससे जेवरात छीन के फरार हो गए। और आज हम लोग जो है भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से हम लोगों ने परसों बैठक किए थे, उसमें यह निर्णय लिया गया हम लोग सभी स्वर्णकार बंधु एकजुट होकर और जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय एएसपी महोदय के यहाँ अपना ज्ञापन सौंपने जाएंगे और मांग करेंगे जल्द से जल्द जो है अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, यही हमारी मांग है। और हम लोग अमन शांति व्यावसायिक वर्ग हैं, अमन शांति चाहते हैं, प्रशासन से आग्रह है हम लोगों को सहयोग करें इस कार्य में, जो अपराधी तत्व है उनको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें और जो माल जो है उन लोगों ने लूट के ले गया वो बाकायदा जो है प्रशासन और कानून के माध्यम से स्वर्ण व्यवसायी स्वर्णिका ज्वेलर्स वाला विशाल आनंद विजय आनंद इन लोगों को मिल जाए। मैं शिव कुमार वर्मा भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष हूँ। आज हम ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारे महत्वपूर्ण सदस्य जो स्वर्णकार संघ से संबंध रखते हैं उनके साथ जो यहाँ दुर्घटना घटी है परसों चिंतई की, उसके विरोध में बाजार बंद एवं यहाँ के प्रशासन से मिलने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी एक ज्ञापन बनाए हैं और स्वर्णकार संघ की ओर से भी बना है। हम लोग सब एक साथ मिलकर एसएसपी साहब से मिलेंगे और उनसे सुरक्षा की मांग करेंगे, इस केस की उद्भेदन की मांग करेंगे। इसके अलावा हम लोग आपस में एक बैठक करके हम व्यापारियों के लिए भी आगे का कुछ प्रोग्राम तय करेंगे जिससे सुरक्षा बनी रहे। पुलिस अभी लगी हुई है लेकिन कोई सफलता ही लगी है। सबसे इम्पोर्टेंट है जितना टाइम बीतेगा सोना मिलने का आस बहुत कम हो जाता है, सोना गल जाता है, अलग अलग जगह चली जाती है। तो हमारा मांग है जल्दी से जल्द, पकड़ने से क्या होता है बाद जब तक माल बराबर नहीं होगा कुछ नहीं होगा, पकड़ने से बाद में वो लोग बेल वेल लेंगे चले जाएंगे। तो पुलिस पे यही दबाव है कि फटाफट इसको बरामद किया जाए। 2013 की घटना हुई थी, क्या उसमें कुछ बरामद हुआ था? कुछ नहीं बरामद हुआ था, लोग पकड़ाए थे बाद में 6 महीने बाद सब लोग बेल ले लिए। सर उस समय कितना घाटा हुआ था आपको? उस समय भी करीब 2 किलो का था। प्रशासन का कहना है कि हम लोग प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द रिजल्ट देंगे, हम लोग रिजल्ट के इंतजार में हैं, रिजल्ट के हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है और उम्मीद रखते हैं प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के आभूषण की बरामदगी करा के व्यापारी को सौंपेंगे और आगे से सुरक्षा हम लोगों को दे प्रशासन। जितनी भी तमाम 300-400 दुकानें हैं सब बंद है, इसलिए क्योंकि परसों हमारे जो व्यापारी के जो आदमी के साथ जो घटना हुई है, माल 1850 ग्राम माल जो डकैती ने खुले आम बाजार विच हृदय में भागलपुर के हृदय में भागलपुर वैरायटी चौक के पास 4 लोगों ने हथियार दिखा के हमारे व्यापारी से जो माल छीना है उसको लेके आज हमारी जितने भी तमाम सोना पट्टी बंद है उससे आज हमारा हर एक कारीगर जो कमाता 20 रुपया भी कमाता 100 रुपया कमाता आज वो उसके कारण सब सहयोग दिए है, बाजार पूर्ण बंद है। और अभी हम लोग सब मिलके हमारे एसपी महोदय के पास जा रहे हैं ज्ञापन लेके। आज हम लोग भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ के सभी सदस्य अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करके सोना का जो लूट हुआ सोने का जो ज्वेलर्स का उसके विरोध में अब प्रशासन के पास हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। अब प्रशासन से हमारी मांग है कि अपराधियों की गिरफ्तारी अविलंब और अविलंब माल की बरामदी होनी चाहिए और स्वर्ण व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करे प्रशासन, ये हमारी प्रशासन से मांग है। ये जो लूट की घटना है उसकी निंदा हम करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है और भागलपुर प्रशासन से हम मांग करते हैं कि अविलंब उस लुटेरे की गिरफ्तारी किया जाए और माल को बरामद किया जाए अविलंब 24 घंटे के अंदर और वह व्यापारी को माल को वापस किया जाए। कांग्रेस क्या करेगी इस मामले में? कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इसके लिए इसके साथ है, सदन में भी मामला को माननीय विधायक उठाएंगे और माननीय विधायक एसपी से भी बात करेंगे। हम लोग आए हैं अपनी मांगे रखने के लिए, जो छिनतोड़ी हो गया
छीना झपटी हो गया, आंख में मिर्चाई दे करके उसका छीन लिया गया बैग। स्टेशन से आ रहा था प्रिया पायल के पास छीन लिया। व्यापारी वर्ग को सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर पूरा अंधकार में चल रहा है सब।